तो गाइस ये है वाओ स्किन साइंस का हेयर मास्क। इसका जो खोका है, क्या बोलते हैं उसको, इसका जो पैकेजिंग थी कार्डबोर्ड वाली पुष्टे वाली, तो वो मैंने निकाल दिया है और मैं इसको यूज़ ही करने वाली थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसका रिव्यू और डेमो दोनों शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी पसंद है ये। दूसरी बार मैं इसे परचेज़ कर रही हूँ, इससे पहले मैं एक टब इसका ख़त्म कर चुकी हूँ, अब मैंने दोबारा से इसे ऑर्डर किया था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर कर दूँ। तो गाइज ये है वाओ का स्किन साइंस सनफ्लावर पिट्स, मैंने सही पढ़ा हूँ, एंड आर्गन ऑयल हेयर मास्क फॉर ड्राई एंड डैमेज है। मेरे हेयर जो है ना वो काफ़ी ड्राई है और बहुत ज़्यादा डैमेज है, क्योंकि मेरे दो बार हेयर पे स्ट्रेटनिंग हो चुकी है तो इस वजह से। और यहाँ पर अगर आप देखें, अगर आप पास से इसको देखेंगे, इट हेल्प्स रीस्टोर हेयर स्ट्रेंथ और स्मूदनेस, तो आपके जो हेयर को स्ट्रेंथ देगा और स्मूदन बनाएगा। हेल्प्स रिपेनिश लॉस्ट न्यूट्रिशन एंड ग्लॉस, तो आपके बालों से खोया हुआ जो न्यूट्रिशन है और जो चमक है वो उसे वापस करेगा। हेल्प्स रिपेयर डैमेज है, तो जो हेयर आपके डैमेज हो चुके हैं उसको रिपेयर करने में हेल्प करेगा। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ इसकी MRP दी है, ये कुछ 549 का है, बट डेफिनेटली आपको डिस्काउंट रेट में मिलेगा। मैंने इसे 399 में परचेस किया है। 200 ml की इसकी पैकेजिंग है, यहाँ पर आप देखेंगे 200 ml की इसकी पैकेजिंग है। मैन्युफैक्चरिंग इसकी 2020 की है, और जनवरी 2020 की, और 2021 को एक्सपायर कर जाएगा, यानी 1 ईयर की इसकी शेल्फ लाइफ है, जो कि ठीक है, अच्छी बात है, इतने वैसे भी हम इसे जल्दी ही यूज़ कर लेते हैं। और अगर यहाँ पर आप अप क्लोज देखेंगे तो यहाँ पर सारा कुछ इस पर मैंशन किया है, जैसे क्रुएल्टी फ्री है और SLS फ्री है और ऑर्गेनिक है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की हुई है। और यहाँ पर आपको यूज़ करने का तरीका दिया गया है, शैम्पू एंड टॉवल ड्राई हेयर, आपको अपने हेयर को वॉश करके टॉवल ड्राई करना है शैम्पू करने के बाद। अप्लाई द हेयर मास्क फ्रॉम टिप टू रूट, आपको जड़ों से लेकर पूरे रूट तक, टिप तक के सॉरी, इसको अप्लाई करना होता है। फिंगर कॉम द हेयर एंड इमल्सीफाई द मास्क थ्रू द हेयर टू अलाउ इट पेनिट्रेट द शेफ्स, तो आपको ना इसको लगाने के बाद आपके हेयर्स में पेनिट्रेट करवाना होता है, पूरा इमल्सीफाई करवाना होता है। उसके बाद लेट सिट फॉर 10 to 15 मिनट, तो 10 से 15 मिनट के लिए आपको छोड़ना है, उसके बाद रिंस ऑफ करना है नॉर्मल वाटर के साथ। तो ये काफ़ी अच्छा वाला हेयर मास्क है, अब इसको ओपन कर लेते हैं। सो मैंने अभी इसको ओपन कर लिया है, और ये देखिए, इसको एक बार पहले यूज़ कर चुकी हूँ, पिछले हफ्ते ही एक बार यूज़ किया है मैंने, और अभी भी इसमें इतना प्रोडक्ट है कि 4 बार मैं और अभी इसको यूज़ कर सकती हूँ, मतलब 1 से 1.5 महीने आपको आराम से चल जाता है। ये हफ्ते में एक बार ही यूज़ करना होता है हेयर मास्क आप लोगों को। तो ये कुछ इस तरह का इसका टेक्सचर है, काफ़ी है ना, जो बोलते हैं ना, थोड़ा सा टाइट सा इसका टेक्सचर है, बहुत अच्छा टेक्सचर है और बहुत अच्छे स्मूदनेस कर देता है आपके हेयर्स को। तो मेरी तरफ से तो इस प्रोडक्ट को थम्स अप है, काफ़ी अच्छा वाला प्रोडक्ट है। आप में से जो भी लोग इसको बाय करना चाहते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से जा करके इसको चेकआउट कर लीजिएगा। अब मैं इसको अप्लाई करती हूँ, हेयर वॉश करके आप लोगों के साथ बताऊँगी कि इसका रिज़ल्ट कैसा आया है। मैंने हेयर वॉश कर लिया है अभी, अब मैं ये अप्लाई करने वाली हूँ। आप चाहो तो डायरेक्टली इसको ऐसे ही अप्लाई कर सकते हो, कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बट मेरे पास आज एग अवेलेबल है। ये एक मैंने अंडा लिया है, इसको मैं फेंट लेती हूँ ऐसे। तो आज मैं ना इस एग के साथ, इस फेंटे हुए एग के साथ हेयर मास्क को मिला करके और यूज़ करने वाली हूँ। आप इसको बिल्कुल, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। सो गाइस, मैंने 2 tablespoons ऑफ हेयर मास्क ले लिया है, अब मैं इसको मिक्स करने वाली हूँ इसके साथ में। मैं भी ऐसा फर्स्ट टाइम कर रही हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि अंडा ना मेरे पास अवेलेबल था और मुझे ऐसे भी एग लगाना ही था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके साथ मिक्स करके, क्योंकि ऐसे भी ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और जो हमने वाओ का स्किन साइंस का जो हेयर मास्क लिया है वो भी ऑर्गेनिक है। तो ये इस तरह का कुछ यू नो थिक क्रीमी सा टेक्सचर आ गया है इसमें,
और इसमें बदबू भी नहीं आएगी अंडा लगाने से, क्योंकि इसमें जो हेयर मास्क है उसमें ऑलरेडी बहुत प्यारी सी खुशबू आती है। और हेयर मास्क का फ़ायदा भी मिलेगा, एक का भी फ़ायदा मिलेगा आपको। तो चलो इसको अप्लाई करके बताती हूँ। मैं हेयर मास्क अप्लाई करेंगे, इसको आपको जड़ों में भी लगा सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं है किसी प्रकार की। तो मैं इसको इस तरह से लगा लूँ। तो जो एग का प्रोटीन है वो भी आपको मिलेगा वाउ स्किन साइंस के जो हेयर मास्क की गुडनेस के साथ साथ।